थपकी थपकी प्यार की। सर मैं शादी तो निभा रही हूँ लेकिन इस शादी में मेरे लिए प्यार प्यार की कोई जगह नहीं है, ना कभी थी ना है और ना कभी होगी। हाँ बस ये चाहती हूँ कि चाहती हूँ क्यों मैं चाहती हमेशा रहूंगी कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, आपको वो सारी खुशियां मिल सके जिसके आप हकदार हो। लेकिन सर वो खुशियां आपको श्रद्धा नहीं दे सकती, मैं यही तो समझाना चाहती हूँ आपको। वो लड़की क्योंकि आपके लायक ही नहीं है, आप नहीं जानते वो कितनी गलत लड़की है। सर आपको आज मुझ पे जितना भी गुस्सा करना आप कर लीजिए लेकिन एक बार ये टेप देख लीजिए, मुझे अच्छे से पता है आप आपकी शादी अपने आप तोड़ देंगे। क्यों तोड़ दूँ थपकी? तुम तोड़ पाई थी अपनी शादी, तुम्हें भी तो शादी के बाद सब सच पता चल गया था ना, क्यों नहीं तोड़ी अपनी शादी? ये एक बार नहीं चाहिए। चाहिए कोई सबूत श्रद्धा के खिलाफ, वो जैसी भी सही है गलत है अच्छी है या बुरी है, वो मेरी पत्नी है। जितनी कोशिश तुमने इस शादी को तोड़ने के लिए की है ना, उससे ज्यादा कोशिश मैं इस शादी को निभाने के लिए करूंगा। इस रिश्ते में भी ना प्यार था ना है और ना ही कभी होगा, लेकिन रिश्ता होगा तब की जिस तरह तुमने अपने और विहान की शादी को सब कुछ बना लिया ना, उसी तरह मैं भी इस शादी को अपना सब कुछ बनाऊंगा। जिस तरह उस दिन तुमने आग में सब कुछ खत्म किया था ना, आज मैं इस अग्नि में इस मंडप में सब कुछ चलाता हूं। तुम्हारे साथ किया हुआ प्यार, हमारा रिश्ता, हमारी फीलिंग्स, और हां जिस तरह तुम्हारी जिंदगी में ध्रुव पांडे की कोई जगह नहीं है, उसी तरह आज से मेरी जिंदगी में भी धपकी की कोई जगह नहीं होगी। श्रद्धा मेरी पत्नी है, उसके खिलाफ कोई लाखों सबूत मिले हैं, ना तो मैं खुद मानूंगा और ना ही किसे मानने दूंगा। अजीब बात है, मेरी किस्मत में तुम नहीं, तुम्हारी किस्मत में मैं नहीं, लेकिन हमारी किस्मत एक जैसी है। जो शादियां नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, हम एक दूसरे के ना हो पाए, लेकिन हमारी किस्मत एक जैसी है। लेकिन मैं इस शादी को निभा के दिखाऊंगा। भैया
तक यहीं पर हूँ, वहाँ वहाँ गृह प्रवेश की रस्म के लिए रुकिए, आइए। भाभी अब आप क्यों रुक गई, आइए ना आप भी, आ जाइए। कितने दिनों के बाद मेरा ये सपना सच हो रहा है, मेरी बहू मेरे घर में प्रवेश कर रही है। चले श्रद्धा जल्दी से बाकी रस्में पूरी कर लेते हैं, फिर गृह प्रवेश करेंगे। नहीं आंटी, गृह प्रवेश की रस्म अभी अधूरी है। जब तक थपकी हम दोनों की आरती नहीं उतारेगी, ये रस्म पूरी कैसे हो सकती है? अनीन, थपकी भी तो आपकी बहू है ना? तो क्या नई नवेली दुल्हन का स्वागत नहीं करेगी? मुझे तो लगा था कि आप सब की तरह थपकी को भी बहुत खुशी हुई है कि मैं इस घर में आ रही हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। अगर आप सबको लगता है कि मैंने गलत कहा तो। नहीं श्रद्धा बेटा, इसमें गलत क्या है, थपकी को भी खुशी है और तुम्हारा स्वागत जरूर करेगी, है ना थपकी बेटी? थपकी
आंटी जी, अब अगर थपकी ने हम दोनों की आरती की है तो मुझे थपकी के पैर छूने होंगे ना? अरे नहीं नहीं श्रद्धा, वो क्या है ना, रिश्ते में तो तुम बड़ी हो ना, ये तो तुम्हारी देवरानी हुई, तो तुम नहीं, ये तुम्हारे पैर छूएगी। तुम भी ना बड़की, कुछ भी बोलती रहती हो, वो काहे को पैर छूएगी? क्या गलत कह रही है प्रीति? रिश्ते के हिसाब से तो श्रद्धा ही बड़ी है। तो इसका मतलब है कि थपकी मेरे पांव छुएगी? हम दोनों देवरानी जेठानी थोड़ी ना है, हम तो इस घर में बहनों की तरह रहेंगे। याद है थपकी, मैंने क्या कहा था? तुम जैसी रुक रुक कर बोलने वाली लड़की मेरा रास्ता कभी नहीं रुक सकती। इसलिए आइंदा से ख्याल रखना, नाटक करने की जरूरत नहीं है, वरना जिन पैरों पे आज तुम्हें झुकाया है और उन्हीं पैरों के नीचे तुम्हें कुचल दूंगी। समझी? श्रद्धा बेटा, अब अपने हाथ इसमें डुबो और फिर अपने हाथों का छापा उधर दीवार पर लगाना है। ये लक्ष्मी का शगुन होता है बच्चे। कर?
ये निशान थपकी के होंगे। मुझसे पहले इस घर में यही तो आई थी बहू बनकर, लेकिन अब इस घर में थपकी का नहीं सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम रहेगा। नामों निशान मिटा दूंगी मैं इस थपकी का। बहुत अच्छे, अब आ जाओ। प्रीत सुमन रखो। हाँ अब इसे अपने पैर से गिरा के घर में प्रवेश करो। आज से पांडे परिवार की अन्नपूर्णा है श्रद्धा। देवी बनकर आइए देवी। सुमन प्रीति जी बाकी रस्मों की तैयारी करो। सबसे पहले हम लोग अंगूठी ढूंढने की रस्म करेंगे। जी बड़ी सासुमा। तब तक बाकी सब लोग आराम कर लेते हैं थोड़ा, है ना। चल अन्नपूर्णा देवी अभी बना। बिहान रुको। नहीं बिहान, ये शगुन है और इसको ऐसे मिटाना बिल्कुल गलत है। अच्छा तो फिर सही क्या है? वो सब जो श्रद्धा कर रही है अपना असली रूप छुपा के सबको धोखा दे रही है। अब तो इस घर में चलिए, तुझसे शादी भी कर ली, वो सब सही है। घर में कदम रखने से पहले हर कदम पे तुम्हें मात दे रही। तुम्हें पैर छूने पड़े, आरती उतारनी पड़ी, पर ये तुम्हारे हाथों के निशान के ऊपर अपने हाथों का निशान लगा दिया उसने। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि घर वालों ने अपनी आंखें बंद क्यों कर रखी। खास करके माँ, माँ तो सही गलत का एक बार में सब कुछ पता कर लेती, तो उन्होंने श्रद्धा की सच्चाई क्यों नहीं पकड़ी। क्योंकि वो माँ है और इस वक्त माँ की आंखों में ममता है जो सिर्फ अपने बेटे की खुशी देखना चाहती है और कुछ नहीं। माँ की ममता को हटाकर श्रद्धा का सच सिर्फ वो सबूत दिखा सकता था, लेकिन हमने बहुत देर कर दी और अब क्या हार मान ले। आ जाए सबकी तरह इस बहकावन मान ले उसे घर की बहू। वही तो हमें नहीं होने देना है।